अस्सलाम वालेकुम क्लास फोर, हाउ आर यू? सलाम टू ऑल ऑफ़ यू। दिस इज़ योर एसएसटी क्लास फोर। सो प्लीज़ ओपन योर बुक्स, वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर सेकंड चैप्टर, दैट इज़ आवर कंट्री। प्लीज़ ओपन योर बुक्स, दिस इज़ पेज नंबर 8 ऑफ योर एसएसटी बुक्स। आई एम गोइंग टू स्टार्ट रीडिंग। आवर कंट्री, हमारा मुल्क। आवर कंट्री इज़ ब्यूटीफुल, हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। इट हैज़ अ वैरायटी ऑफ नेचुरल फीचर्स, फ्राम 7 ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन्स इन द नॉर्थ टू लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन एंड बीचेज इन द साउथ। हमारा मुल्क खूबसूरत है, इसमें बहुत किस्म के कई किस्म के नेचुरल फीचर्स हैं, कुदरती जो मनाजिर हैं। फ्राम 7 ऑफ द वर्ल्ड हाईएस्ट माउंटेन्स, जो दुनिया की टॉप जो 7 माउंटेन्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। इन द नॉर्थ, शुमाल में, पाकिस्तान के शुमाल में नॉर्थ वाली साइड पे, टू लॉन्ग स्ट्रेचेज ऑफ ब्यूटीफुल कोस्ट लाइन एंड बीचेज इन द साउथ। शुमाल से शुरू होते हुए पहाड़ी सिलसिला ये साउथ में जाता है। साउथ में हमारे पास कोस्ट लाइन है एंड बीचेज हैं, वहाँ पे हमारे पास समुंदर है जिसके इर्द गिर्द के इलाके को कोस्ट लाइन और बीच कहते हैं। तो ये पहाड़ी इलाका जो माउंटेनियस एक वेव है वो वहाँ से शुरू होती है, नॉर्थ से साउथ तक जाती है और ये एंड होती है कोस्ट लाइन एंड बीचेज पे। इन द नॉर्थ देयर आर हाई माउंटेन्स विद स्नोई पीक्स, ग्लेशियर्स, फ्रेश माउंटेन स्ट्रीम्स, बबलिंग वाटरफॉल्स एंड क्लियर आइसी लेक। देयर आर डीप वैली एंड स्टीप रॉकी रिजेज, इट इज़ वेरी कोल्ड देयर। तो ये पाकिस्तान की जो नॉर्थ वाली साइड है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जैसा कि बच्चों आपको पता है कि हमारे नॉर्थ वाली साइड पे बहुत सारे बड़े बड़े पहाड़ हैं, एक पहाड़ी सिलसिला है वहाँ पे। तो वो अपने पहाड़ी सिलसिले के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो बर्फ़ से ढकी हुई चोटियाँ होती हैं, ग्लेशियर्स होते हैं वहाँ पे, फ्रेश माउंटेन्स जो होती हैं, स्ट्रीम्स नदियाँ हैं वहाँ पे, ताज़ा पानी, फ्रेश पानी की जो नदियाँ नाले बह रहे होते हैं। इसके अलावा वाटरफॉल्स हैं जिनको हम आबशारे कहते हैं, वो आप पहाड़ों से गिरता हुआ पानी देखते होंगे, इनको वाटरफॉल्स कहते हैं। एंड क्लियर आइसी लेक्स हैं वहाँ पे, बर्फ़ की ठंडी नदियाँ हैं वहाँ पे। देयर आर डीप वैलीज एंड स्टीप्स रॉकी रिजेज, इट इज़ वेरी कोल्ड देयर। और यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं और जो है ना वहाँ पे चट्टाने हैं। तो ये बहुत ठंडा इलाका होता है जो नॉर्थ वाली साइड है, क्योंकि वहाँ पर पानी गिरता रहता है, पहाड़ों से पानी आता है और बर्फ़ पड़ती रहती है, तो इस वजह से वो एक ठंडा इलाका कंसिडर किया जाता है। तो व्हाट इज़ द लोकेशन एंड नेबरर्स, पाकिस्तान की लोकेशन कहाँ पे और हमारे पड़ोसी ममालिक कौन से हैं, नेबर्स कौन से हैं। पाकिस्तान इज़ इन द साउदर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टीनेंट ऑफ एशिया, पाकिस्तान एशिया के साउदर्न पार्ट में है। इट हैज़ एन एरिया ऑफ 796,095 स्क्वायर किलोमीटर, और इसका जो एरिया है 7,96,095 स्क्वायर किलोमीटर है इसका जो मुकम्मल एरिया है। और ये जनूबी एशिया में एग्जिस्ट करता है। वी शेयर बॉर्डर्स विद ईरान इन द वेस्ट, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट, चाइना इन द नॉर्थ ईस्ट एंड इंडिया इन द ईस्ट। हम अपने बॉर्डर जो हैं वो शेयर करते हैं, हमारे वेस्ट में ईरान है, अफगानिस्तान इन द नॉर्थ वेस्ट है, चाइना हमारे नॉर्थ ईस्ट में है एंड इंडिया इन द ईस्ट, और इंडिया ईस्ट वाली साइड पे है। टू द साउथ ऑफ पाकिस्तान इज़ द अरेबियन सी, और साउथ में क्या है, अरेबियन सी है जिसको हम बहीरा अरब कहते हैं, जो हमारे साउथ साइड पाकिस्तान की बनती है। फ्राम द साउथ वेस्टर्न टिप ऑफ द कंट्री टू द नॉर्थ ईस्टर्न टिप, पाकिस्तान कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ ओवर 1800 किलोमीटर। लुक एट अ मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड यू विल सी दैट आवर कंट्री इज़ बिगर दैन सम कंट्रीज बट मच स्मॉलर दैन मैनी अदर्स। के जो साउथ वेस्टर्न टिप ऑफ द कंट्री टू द नॉर्थ ईस्टर्न टिप है, अगर आप साउथ वेस्टर्न से स्टार्ट हों और नॉर्थ ईस्टर्न टिप पे जाएं तो पाकिस्तान जो कवर्स करता है डिस्टेंस टोटल 1800 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है, इसकी जो टोटल लेंथ है दोनों जो है इसके कॉर्नर्स की जो लेंथ बताई जा रही है ये 1800 किलोमीटर्स है। तो अगर आप मैप पे देखेंगे तो पाकिस्तान इतना बड़ा कंट्री है ना इतना छोटा है। तो द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ ओवर 207 मिलियन, पाकिस्तान की जो आबादी है वो 207 मिलियन है। द पॉपुलेशन इज़ डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ देयर लैंग्वेज, और जो आबादी है इज़ डाइवर्स इन टर्म्स ऑफ देयर लैंग्वेज, हैबिट्स, कस्टम्स एंड स्टाइल्स ऑफ क्लोथिंग।
एक डाइवर्स कल्चर है, यहाँ पे बहुत सारी ज़ुबानें बोली जाती हैं, बहुत सारे कल्चर्स हैं, रस्म और रवाज यहाँ पे पाए जाते हैं, और जो क्लॉथिंग है, स्टाइल ऑफ क्लॉथिंग है, जो कपड़े पहनने के जो मलबूसात के अंदाज़ हैं वो डिफरेंट हैं। यहाँ पे एक डाइवर्सिटी है, यहाँ पे वी मे बी डिफरेंट फ्राम ईच अदर, हम मुख्तलिफ हो सकते हैं, बट वी ऑल बिलोंग टू वन कंट्री, मगर हम एक ही मुल्क से बिलोंग करते हैं, वी ऑल आर पाकिस्तानीज़। हमारे कल्चर मुख्तलिफ हैं, हमारी ज़ुबान मुख्तलिफ हैं, हमारे रस्म और रवाज मुख्तलिफ हैं, हमारे मलबूसात कपड़े पहनने का स्टाइल मुख्तलिफ है, डिफरेंट है, लेकिन हम एक ही कंट्री से बिलोंग करते हैं, दैट इज़ पाकिस्तान। द पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान हैज़ ग्रोन रैपिडली, पाकिस्तान की पॉपुलेशन बड़ी तेज़ी से इजाफा हुआ है, दिस इज़ बिकॉज़ पीपल हैव लार्ज फैमिलीज एंड बिकॉज मोर पीपल लिव लॉन्गर, और यहाँ की जो एक ज़िंदगी की जो परसेंटेज होती है, जो एवरेज लाइफ है वो ज़्यादा है, और दूसरा यहाँ पे कंबाइंड फैमिली सिस्टम है, लार्ज फैमिलीज हैं उनकी। एवरी ईयर देयर आर आल्सो अ नंबर ऑफ पीपल हु मूव आर माइग्रेट फ्रॉम पाकिस्तान टू अनदर कंट्री आर मूव टू पाकिस्तान फ्रॉम समवेयर एल्स, और एक काफ़ी तादाद है जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके बाहर के मुल्कों में चली जाती है, और कुछ ऐसी भी तादाद है लोगों की जो बाहर से आके पाकिस्तान में शिफ्ट करते हैं। द लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान, अब लैंडस्केप क्या है जी, इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री देयर आर वाइड प्लेन्स विद रिच फर्टाइल सॉइल वाटर्ड बाई द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्रीज। इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द कंट्री, जो सेंट्रल पार्ट है कंट्री का, देयर आर वाइड प्लेन्स विद रिच, यहाँ पे बहुत सारे मैदानी इलाके हैं, फर्टाइल सॉइल है, वाटर्ड बाई द रिवर इंडस एंड इट्स ट्राइब्रीज, जिनको पानी मिलता है, जो रिवर इंडस है जिसको हम दरिया सिंध कहते हैं, उनसे पानी मिलता है उस ज़मीन को, वहाँ प्लेन्स है, वहाँ पे एग्रीकल्चर अच्छे तरीके से होती है। द रिवर इंडस विच स्टार्ट्स इन द हिमालयाज इज जॉइंड एट मिठनकोट बाय द जेहलम, चिनाब, रावी एंड सतलज विच फ्लोज एज वन फ्राम पंजनाद इन साउदर्न पंजाब। जो इंडस रिवर है वो हमारा स्टार्ट होता है हिमालय से, हिमालय पाकिस्तान के नॉर्थ वाली साइड पे, ये वहाँ से स्टार्ट होता है इंडस हिमालय से, और फिर जब ये आके मिल जाता है एक पॉइंट पे, आगे इकट्ठा होता है, क्योंकि पंजाब जो है ना, पंजाब ये पांच दरियाओं की जमीन, पांच दरियाओं की ज़मीन है, इस वजह से इसको पंजाब कहते हैं, द लैंड ऑफ फाइव रिवर्स। तो ये जो इंडस रिवर है ये उन तमाम बाकी दरियाओं से आके मिल जाता है और एक ही जगह पे इकट्ठे होते हैं, जिसको हम कहते हैं मिठनकोट, मिठनकोट, और तमाम जो दरिया हैं, जो ट्राइब्रीज हैं, वो यहाँ पे आके जमा हो जाती हैं, यहाँ से फिर फ्लो करके वो जाती हैं अरेबियन सी में। दिस इज़ द एग्रीकल्चरल हार्ट लैंड ऑफ पाकिस्तान, और इसको पाकिस्तान का जो एग्रीकल्चरल हार्ट लैंड कहा जाता है, वो जो ज़मीन है वो बहुत फेवर करती है एग्रीकल्चर को। क्रॉप्स ग्रो इन द फील्ड्स एंड मैनी पीपल वर्क ऑन द फार्म्स, वहाँ पे लोग फसलों उगाते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। इन द वेस्ट देयर आर माउंटेंस बट दीज आर नॉट एज हाई एज दोज इन द नॉर्थ, और जो वेस्ट वाली साइड पे अगर वेस्ट की बात करें पाकिस्तान की, सेंट्रल पार्ट की, तो आपने बात कर ली कि वहाँ पे इंडस रिवर है और बाकी जो इंडस रिवर वहाँ पे जाके मिल जाता है बाकी दरियाओं के साथ, लेकिन अब हम बात करें वेस्ट की, तो वेस्ट में भी हमारे पास पहाड़ हैं, पहाड़ी सिलसिला है, मगर ये नॉर्थ वाली जो साइड पर पहाड़ी सिलसिला है उनसे ये छोटे हैं। देयर इज़ आल्सो एन एरिया ऑफ डेजर्ट लैंड एज देयर इज़ इन द ईस्ट, there are no large rivers or lakes in the west but it has a long coastline along the arabian sea. in the south there are forests along the western banks of the river indus while there is farming on the plains along the river. मुख्तलिफ डायरेक्शंस के बताया जा रहा है कि डेजर्ट लैंड है वहाँ पे जो हमारे वेस्ट वाली साइड है। देयर इज़ इन द ईस्ट देयर आर नो लार्ज रिवर्स आर लेक्स इन द वेस्ट, वहाँ पे वेस्ट वाली साइड पे इतने बड़े दरिया और लेक्स नहीं है वहाँ पे, बट इट हैज़ अ लॉन्ग कॉस्ट लाइन, मगर इसकी जो कॉस्ट लाइन है वो काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि वो अरेबियन सी के साथ जो इलाका है वो अटैच होता है। और इन द साउथ जो है देयर आर फॉरेस्ट अलॉन्ग द वेस्टर्न बैंक्स ऑफ द रिवर इंडस, और साउथ में जो है वहाँ पे जंगलात पाए जाते हैं, क्योंकि जो रिवर इंडस का जो इलाका है उसके इर्द गिर्द, उसके किनारों पे दरख्त, काफ़ी सारे दरख्त पाए जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे खेती बाड़ी भी हो सकती है। तो नेक्स्ट पेज, नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज, लिविंग एंड वर्किंग, देयर आर थाउजेंड ऑफ विलेज इन पाकिस्तान, मोस्ट विलेज अर्न अ लिविंग बाई वर्किंग ऑन द लैंड। देयर आर थाउजेंड ऑफ विलेज इन पाकिस्तान, बहुत सारे विलेज हैं यहाँ पे, गाँव हैं, देहात हैं पाकिस्तान में। मोस्ट विलेज अर्न अ लिविंग बाई वर्किंग ऑन द लैंड, और बहुत सारे जो विलेजर्स हैं, जो देहाती लोग हैं, वो अपने काम से, अपनी ज़मीन से अपना काम करते हैं, और वहाँ पे वो अपनी जो है ना सोर्स ऑफ इनकम वहाँ से वो ग्रो करते हैं। सिंस वी नो वेयर द बेस्ट एग्रीकल्चरल लैंड इज़, वी आल्सो नो देयर वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल लिव,
दे आल्सो मेक हैंडी क्राफ्ट विद लोकली प्रोड्यूस्ड मटीरियल्स, वो अपने हाथ से बनाई हुई चीज़ों को प्रेफर करते हैं, अपने हाथ से बनाई चीज़ों की जो बनाई जाती हैं उनको हैंडी क्राफ्ट कहते हैं, और वो उनकी प्रोडक्शन करते हैं और वो मोस्टली एक्सपोर्ट भी करते हैं। देयर आर अ लिमिटेड नंबर ऑफ स्कूल्स हॉस्पिटल्स रोड्स एंड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन द विलेजेस, लेकिन वहाँ पर सहूलियात बहुत कम होती हैं, जैसा कि स्कूल हो गए, हॉस्पिटल हो गए, रोड्स हो गए, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, ये देहातों में बहुत कम पाई जाती हैं। सम ऑफ द विलेजेस इन सिंध एंड पंजाब हैव ग्रोन इनटू लार्ज टाउन्स एंड सिटीज विद टॉल बिल्डिंग्स, ऑफिसेज, हाउसेज एंड फैक्ट्रीज, द सिटीज आर क्राउडेड एंड बिजी। मगर आज के दौर में सिंध और पंजाब में कुछ ऐसे देहात भी हैं जो कि अब बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं, वहाँ पे बिल्डिंग्स हैं, ऑफिस हैं, घर बनाए जा चुके हैं, सोसाइटियाँ बन चुकी हैं, फैक्ट्रीज कारखाने लग चुके हैं, और वहाँ पे अब काफ़ी हजूम होता है और वो शहर देहात से वो शहर बन चुके हैं। तो क्लास, दिस इज़ आवर टूडेज टॉपिक दैट वॉज आवर कंट्री, हमने आज पढ़ा लोकेशन एंड इसके नेबर्स और लैंडस्केप ऑफ पाकिस्तान, एंड इसके अलावा लिविंग एंड वर्किंग के लोग वहाँ पे कैसे रहते हैं और क्या काम करते हैं लोग। तो नेक्स्ट क्लास में हम मज़ीद इसके आगे स्टडी करेंगे, इसके आगे हम पढ़ेंगे पाकिस्तान के मुख्तलिफ जो प्रोविंसेस हैं, 4 प्रोविंसेस, उनको हम स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। क्लास, थैंक यू।